हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू डूइंग वेल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ आपकी दुआओं से, बट थोड़ी बहुत दुआओं की ज़रूरत है क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है और पिछले व्लॉग भी मेरे इसी वजह से लेट हुए थे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब मैं कुछ बेटर फील कर रही हूँ, बस दुआ है कि गला ठीक हो जाए। खैर, मैंने सोचा कि एक सीरीज़ स्टार्ट करते हैं क्योंकि बड़े बड़े व्लॉगर सीरीज़ बनाते हैं तो मुझे भी बहुत शौक आ रहा था। तो ये सीरीज़ है मेरी स्कूल टूर की, जहाँ मेरी वर्क प्लेस है। सो ये मेरा आउटसाइड व्यू था मेरी क्लास का, होप आपको अच्छा लगा होगा। और साथ में अब आपको करवा रही हूँ अपना क्लासरूम टूर। सो इंटर होते ही एक डोर के साथ ये वाली वॉल आती है जिसे मैंने डेकोरेट किया हुआ है साइड वर्ड से, और कुछ डेकोरेशन मेरी है कुछ मॉर्निंग टीचर्स की है क्योंकि मेरी आफ्टरनून शिफ्ट है। और ये डोर साइड पे जहाँ निमरा मलिक व्लॉग्स का टैग है, ये डोर है। यहाँ से इंटर होने के बाद आता है साइड वर्ड्स वाला सेक्शन, उसके बाद ये एक अलग से डोर है स्टोर रूम का जिसे ओपन नहीं करते। यहाँ पे एक शेप्स नेम का सर्कल का एक आर्ट हुआ हुआ है और होप यू लाइक इट। और फिर साथ वाली दीवार साइड वर्ड्स से बराबर में विंडो आ जाती है जो आगे आपको दिखाऊंगी। उसके बाद एक ये सॉफ्ट बोर्ड है और यहाँ पर हमने दिनों के नाम मेंटेन किए हुए हैं और फलों के नाम, बेसिकली ये उर्दू का सॉफ्ट बोर्ड है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। एंड में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी डेकोरेशन सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। तो ये साइंस का टॉपिक था तो थोड़ी सी जगह खाली थी, तो यहाँ पर हमने अर्थ को डिफाइन किया है, लैंड या वाटर की कितनी परसेंटेज होती है वो सारा डिफाइन किया है। और ये छोटे से बॉल बनाई है, होप यू लाइक इट। और ये मुझे बोर्ड बहुत अच्छा लगता है। यहाँ ही मेरी चेयर होती है और उसके पीछे, मेरी चेयर के पीछे ब्लैक बोर्ड होता है। सो यहाँ पे हमने उर्दू के ही मुश्किल अल्फाज के बोर्ड पे साइड पे मेंटेन किए हुए हैं। ये मॉर्निंग टीचर्स भी स्टडी करवाती हैं बच्चों को और मैं भी करवाती हूँ। सो ये मॉर्निंग टीचर ने लगाए हैं और मुझे उनका आइडिया बहुत अच्छा लगा क्योंकि रेगुलर बेसिस पर सामने होता है तो अच्छी तरह स्टडी होती है। खैर, बोर्ड के बीच में मैंने कहा था विंडो है, सो ये मेरा व्यू है विंडो का। और उसके बाहर से मैंने यहाँ जो रेड कलर का प्लेयर नज़र आ रहा है जहाँ से अभी एक बच्चा जाता हुआ नज़र आया, यहाँ से मैंने वो वाली पिछला आउटसाइड व्यू क्लिक किया था। और इंटर होने के बाद शेप्स नेम के बराबर में यहाँ पर ये वेजिटेबल सारी लगी हुई है इंग्लिश में। और यहाँ से हम स्टडी करवाते हैं बच्चों को रेगुलर बेसिस पे क्योंकि बार बार कार्ड शो करना बहुत मुश्किल होता है। सो टाइम बचाने के लिए कि पूरा पोस्टर मेंटेन किया हुआ है। खैर, ये सारा है उसके बराबर में एक अलग से है जहाँ पे कुछ मैंने डेकोरेशन की हुई और साथ में अपना टाइम टेबल एंड होमवर्क की जो भी डायरीज रेगुलर बेसिस पे जाती है वो मेंटेन की है। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक टेबल होती है, यहाँ पे बच्चे रखते हैं अपनी वाटर बॉटल जो कि आपको थोड़ी थोड़ी नज़र आ भी रही है। और क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए मैंने वो नहीं ली। खैर, सिर्फ वॉल डेकोरेशन आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मंथ्स नेम है और ये भी चलते फिरते फ्री टाइम हम बच्चों को स्टडी करवाते हैं। उसके बाद आ जाता है बोर्ड साइड, जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है उसका राइट साइड व्यू। सो यहाँ पे एक मस्जिद है और ये बहुत प्यारे व्यू, यहाँ से अजानों की आवाज़ भी आती है और ये भी बहुत अच्छा लगता है और वेदर भी मैं यहाँ से बैठ के इंजॉय करती रहती हूँ। है, यह था मेरी क्लासरूम और ये सामने आप देख सकते हैं मेरी क्लासरूम भी नज़र आ रही है। और साथ ही सेकेंडरी सेक्शन में चल रहा है हेड बॉय के लिए इलेक्शंस चल रहे हैं और हेड गर्ल के लिए चल रहे हैं। सो यहाँ पे येलो हाउस, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, इस तरीके से उन्होंने अपना अपना पोर्शन मेंटेन किया हुआ है। सो ये देख सकते हैं आप रेड हाउस, इससे पहले आपको दिखाई थी येलो हाउस की डेकोरेशन और रेड हाउस का ये दोनों पिलर्स हैं। और उसके बाद आ जाता है ब्लू हाउस। तो कौन सी डेकोरेशन आपको अच्छी लगी है? इसमें बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, अंदर और भी है ये पोस्टर्स वगैरह। मुझे सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस अच्छा लगा था। इस पर मैं नहीं जानती कौन बच्चे कौन नहीं क्योंकि मैं नीचे होती हूँ वो लोग ऊपर, बट ग्रीन हाउस मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये रिकॉर्डिंग मैंने पहले की थी, इसके बाद भी ग्रीन हाउस वालों ने और भी डेकोरेशंस की थी। जब मैं स्कूल टूर करवाऊँगी तो उसमें ऐड कर दूँगी। खैर, ये मैंने बाहर का थोड़ा बहुत व्यू दिखाया था ताकि आप समझ सकें मेरी क्लास कौन सी है। सामने यहाँ पर ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है, वही मेरी क्लास है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी क्लासरूम अच्छी लगी होगी और स्कूल अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया और सीरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा, आगे के बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे। अभी था मेरा क्लासरूम टूर क्योंकि स्कूल का पूरा टूर करवाने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैं स्टार्टिंग है तो मैं नहीं चाहती मेरा काम भी डिस्टर्ब हो। खैर, ये सीरीज़ अब चलती रहेगी, ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद ही रेगुलर बेसिस के व्लॉग्स आएंगे। एक दिन, दो दिन, तीन दिन बाद जब भी व्लॉग आएगा वो इस सीरीज़ से रिलेटेड ही आएगा। और आप मुझे आइडिया दें कि मुझे और किस सीरीज़ पर व्लॉग्स बनाने चाहिए, आपके आइडिया को कंसीडर किया जाएगा और आपके लिए बनाऊंगी प्यारे प्यारे व्लॉग्स। कोई भी रिलेटेड आइडिया हो सकता है, आप मुझे ज़रूर बताएं अपना फेवरेट टॉपिक। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा व्लॉग। सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।